बिग बॉस 17 और लॉकअप जैसे रियलिटी शोज जीतने वाले स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी अपने विवादित बयानों और रिलेशनशिप को लेकर काफी सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन हाल ही में उनसे जुड़ी एक खबर सामने आ रही है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि मुनव्वर फारूकी ने दूसरी बार शादी रचाई है। मुनव्वर ने बेहद ही गुपचुप तरीके से दूसरा निकाह किया है जिसमें उनका परिवार और कुछ खास दोस्त शामिल हुए थे। सामने आ रही खबरों के मुताबिक मुनव्वर फारूकी ने कुछ 10 से 12 दिन पहले ही शादी रचाई थी और फिलहाल वह अपनी शादी को सीक्रेट रखना चाहते हैं। उनकी पत्नी का नाम मजबीन कोटवाला है जो पेशे से एक मेकअप आर्टिस्ट है। इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में मुनव्वर फारूकी के करीबी सूत्र ने कॉमेडियन की शादी की पुष्टि कर दी है। उन्होंने बताया कि मजबीन कोटवाला मेमन समुदाय से संबंध रखती हैं। वह पेशे से एक मेकअप आर्टिस्ट है। मजबीन साउथ मुंबई के अग्रीपाड़ा मुंबई सेंट्रल में रहती है। हालांकि मुनव्वर फारूकी की तरफ से अभी अपनी शादी को लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है। साथ ही इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि मुनव्वर और मजबीन की यह शादी लव या अरेंज है। मजबीन से पहले मुनव्वर का नाम बिग बॉस 17 के कंटेस्टेंट आयशा खान और नाजिला के साथ भी जुड़ चुका है। ऐसे में फैंस कॉमेडियन की शादी की खबर को हजम नहीं कर पा रहे हैं। सूत्रों की माने तो शादी के 10 से 12 दिन के बाद मुंबई के ITC मराठा में रविवार को मुनव्वर और महजीब की रिसेप्शन पार्टी थी। इस पार्टी में केवल 100 लोग ही शामिल हुए थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि मुनव्वर के निकाह में उनकी खास दोस्त हिना खान भी शामिल हुई थी। बता दें कि हिना और मुनव्वर काफी अच्छे दोस्त हैं। हाल ही में दोनों का एक म्यूजिक वीडियो भी रिलीज हुआ जिसे फैंस काफी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं।